गायों में फैली लंपी महामारी से गौवंश की लगातार मौत के बावजूद सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने के विरोध में आज गौमाता संघर्ष समिति के आह्वान पर डीरवाना बंद पूर्णतया सफल रहा। इस दौरान शहर के सदर बाजार, रॉयल मार्केट, गुदड़ी बाजार, महावीर मार्केट, नागौरी गेट सहित सभी बाजारों पर पूरे दिन ताले लटके रहे। सभी बाजारों की दुकानें बंद रही। इस बंद को डीरवाना के व्यापारिक संगठनों सहित अनेक सामाजिक व राजनीतिक संगठनों ने समर्थन दिया, जिससे बंद कामयाब रहा। हालांकि फल, सब्जी, दूध, दवाइयों की दुकानों को इस बंद में छूट दी गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। इस मौके पर जोगा मंडी धाम से महंत लक्ष्मण नाथ महाराज के सानिध्य में एक रैली निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए कचहरी परिसर पहुंची। इस दौरान गायों को बचाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में ये मांग की गई कि एक डेढ़ महीने से जो लंपिंग नाम की बीमारी चल रही है, इससे हमारी बहुत सी गौमाताएँ मर चुकी है और बहुत सी गौमाताएँ पीड़ित है। अभी भी इनका कोई इलाज, कोई उपचार नहीं हो रहा है। सरकार की तरफ से कोई दवाई, कोई टीका, कुछ भी नहीं है। लोग अपने स्तर पे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कोई भी शुद्ध बुद्ध नहीं है। गौ माता की दिनों दिन मरती जा रही है। कोई अभी किसान वर्ग के लोग हैं, गाँव के गौशाला वाले सब इतने दुखी हो रखे हैं कि मतलब उनको एक गौशाला में रोज की पाँच दस गौवंश खत्म हो रहे हैं। न तो गवर्नमेंट अनुदान दे रही है, न उनकी कोई शुद्ध बुद्ध ले रही है, और जो पशुपालक है उनकी भी गायें एक वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को पालने के लिए, दूध पिलाने के लिए गौ माता लेके आता है घर में, तो वो भी गौ माता ही मर गई उनकी, तो उनको भी कोई नहीं मुआवजा नहीं है, कोई उनकी सूझबूझ नहीं है, कोई पंचायतों में कहीं भी कुछ भी नहीं, कोई सूझबूझ नहीं ले रहे। इसलिए हमने और राजस्थान सरकार को ये दिया पत्र कि गौ माता को सूझबूझ ले और गौ माता की रक्षा करे।